क्या इसको रे मत जाओ, ओ कितनी उदास है। जैसे ही हम घर वापस आए, ये यहाँ पे केज में अकेली थी, तो हमने एक चीज देखी है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। क्लोई कम कम मिले बाबू, वो ना सहमी हुई है, डर गई है। भागो भागो जल्दी भागो, बारिश आ रही है दिल्ली में, दिल्ली में बारिश आ रही है, जल्दी जल्दी चलो। विजन चेक करा लेते हैं पहले। इतनी चुपचाप हो गई है ये, और इसकी आंख कहीं लगी है जाके, उस वजह से इसको इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो गई है। तो फाइनली बारबी और बीना बाकी दोनों जा रहे हैं, और देखो एक का तो मुंह बाहर आ रहा है। क्या हो गया राहुल? कुछ नहीं, चला गया अपने घर। और दीशु कहेगा अब सुबह सुबह किसको खाना खिलाएगा दीशु? अब तीनों बस। तो गाइस यहाँ पे ना राहुल ना घर से जाने की ना कोशिश कर रहे हैं, पर ना ये ना बार बार पजामा पकड़ लेती है कि ना मत जाओ, ये देखो इस, ये इसको है कि ना जाए बस। राहुल तुम्हें सारा दिन इसने तुम साथ तुम्हारे साथ चिंबड़ना है क्यों? ये देखो कि ना मत जाओ, पजामा पकड़ लेती है। अभी पकड़ा हुआ था इसे पजामा। हाँ सारे डॉग्स तुमसे घुल मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे, मुझे तो समझ नहीं आती ऐसा प्यार हमारे साथ क्यों नहीं पड़ता इनका, क्योंकि हम शुरू से नहीं रहे ना डॉग्स के साथ ना। ऐसा नहीं है, यू हैव टू गिव देम देयर टाइम, है ना। सिर्फ खाना पीना देने से कुछ नहीं होता, टाइम भी देना पड़ता है। क्लोई जंप, सो गाइस ट्रेनिंग फॉर क्लोई इज ओपन। जो भी ट्रेनर्स ट्रेन करना चाहते हैं क्लोई को, हम कोई पैसे नहीं देंगे। कोलैबोरेशन आओ ट्रेन करो। वो देखो तुम्हारा पजामा पकड़ लिया, कहाँ जाओगे तुम? पापा खाना खाने जा रहे हैं। के अंदर जो भी ट्रेनर्स अगर करना चाहते हैं, वैसे वहाँ पर ट्रेनर है, ठीक है, राज ट्रेनर। इसको अब ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको जरूरत है क्योंकि पजामे खींचने लग गई है ये। गुस्सा कर रही है कि ट्रेन नहीं होना, मैंने स्वेटर को खाज रही है। तुम्हारा पराठा ठंडा हो जाएगा दादी, हाँ तुम जाके अपना खा लो। चलो मैं जा रहा हूँ। पकड़ लिया पजामा। अरे 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 केरी ऐसे कैसे जा रहे हो? इसके बात करने का स्टाइल है। तो गाइज यहाँ पे ना राहुल बोल रहा है कि उसको बाहर जाना है घर के, कुछ काम है, और ये मैडम ना दरवाजा खुला है खड़ी हो गई है यहाँ पे पापा की गोदी में बार बार कि नहीं जाना है। और जैसे ही राहुल जाने की कोशिश करता है तो ये ना पजामा पकड़ लेती है पीछे से, क्योंकि इसको हो रहा है आप क्यों जा रहे हो, इसको बाय कर दो, बोल दो बाय क्लोई मैं जा रहा हूँ बाय। तो राहुल तुम जा रहे हो क्या है? क्या है? इसको रे मत जाओ, ओ कितनी उदास है। ज्यादातर ना सारे पेट्स ऐसी करते हो, कोने में हो गई, उदास हो गई है ये, जा रहे है पापा। ओ राहुल उदास हो गई, और तुम्हारे पैर देख रही है सिर्फ कि कब तुम बाहर जाओगे, कब ये तुम पकड़ लेगी। चप्पलें उतारो, और चप्पलें ना ऊपर रखते थे। क्लोई पापा जा रहे, बाय बाय। ओ उदास हो गई क्लोई। तो गाइस ये देख लो क्लोई, तो गाइस ये देख लो क्लोई ने क्या किया है, यहाँ से ना मेरा मैट उठा के ना खींच के वाले गए। क्लोई वापस दे दे मेरा मैट, वापस दे दे, वापस दे दे, वापस दे दे मेरा मैट। मैट खींच के ले गई बाहर, क्या करने के लिए लेके गई है, हैं क्लोई? नो। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कुछ अनफॉर्चुनेट शुरुआत हुई है व्लॉग की, ऑल दो इससे पहले जो मोमेंट्स थे वो थोड़े प्लेफुल थे, लेकिन उसके बाद हम लोग अपने अपने काम पे लगे, राहुल ऑफिस चला गया, मैं शिवाय को लेने स्कूल चली गई आज। और जैसे ही हम घर वापस आए, ये यहाँ पे केज में अकेली थी, तो हमने एक चीज़ देखी है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। क्लोई कम कम मिले बाबू, वो ना सहमी हुई है, डर गई है, क्या पता दर्द हो रही हो, है ना। कम बेटी, क्या हो गया, कहाँ फंस गई, इधर आ मिला बेटा इधर। तो गाइस क्लोई के साथ ना थोड़ी सी मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है, ये ना केज में खुदी होगी, क्योंकि जनरली ये खुदती है ना केज में, तो इसको ना कहीं कोई चोट लग गई है, और इसकी एक और इसकी ना एक आई का कलर ना चेंज हो गया, आप देख रहे हो ये दिखाइए, और इसकी जो ये शक्ल ही बदल गई है लड़की की, है ना, जैसे कैसे चहकती पहकती थी, अब थोड़ी सी ना शांत हो गई है, ब्लू हो गई है, ब्लू हो गई है, पर इसको ना दिख रहा है, इतना तो हमें पता है। नहीं ये देखना,
हाँ दिख तो रहा है उसको, ये देखना, हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ तो हमने डॉक्टर पटेल को कॉल किया था तो वो कह रहे एक बारी मेरे पास ले आओ और मैं एग्जामिन कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या करना है। तो अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और सेकेंडली आज जाना है बगीरा और बारबी ने, तो उनके लिए भी हमने वो खरीद के लाने, टोकरी जैसे हमने बाहू के लिए खरीदी थी। तो अब हम दोनों काम एक साथ कर लेंगे क्योंकि टोकरी वाला जो है और डॉक्टर पटेल का जो वो है वो एक साथ ही है। तो अब इसको ले जाते हैं, दो टोकरियाँ ले आते हैं फॉर बगीरा बारबी, वो जा रहे हैं मुंबई, आज रात को ही वो निकल जाएंगे। आज रात की 9 बजे की ट्रेन है, 9 बजे की ट्रेन है। पैरेलली इसको भी डॉक्टर पटेल के दिखा देते हैं कि क्या इशू है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, कुछ घबराने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक दोनों आंखें इसकी एक जैसी वापस नहीं हो जाती तो मेरे को मतलब मैं अंदर से ना बहुत डर गई हूँ, क्योंकि मैं मेरे साथ ही पहली बार, बड़ी सुंदर थी, नजर लग गई ना, नजर लग गई गाइस, बट ठीक है, इट्स ओके, मेरी ही लगी होगी, मैं ही बार बार बोलती थी, तुम भी बोलते थे कितनी सुंदर है, मेरी मम्मी भी छोले कितनी सुंदर है, छोले कितनी सुंदर है, छोले छोले का छोला हो गया पर इसके दर्द हो रही है इसलिए अब मनी ये ना थोड़ी शांत हो गई, इसको डांटा है मैंने यार, बहुत डांटा है, जब मैं आई हूँ तो मैंने इसको लिटरली, मुझे पता है क्या लगा, इसको क्या लगा, ये जो केज है ना ये देखो, ये खुलता है ना तो ये देखो यहाँ पे इसने छीला, ये चीज लगी है, इसे ये चीज लगी है, पता नहीं क्या हुई है। चलो डॉक्टर पटेल देखते हैं क्या कहता है, जो लड़की एक्सीडेंट थी ना ऐसे हो गई, तो पता कांचा चीना लग रही है, कांचा चीना है, मुझे पता क्या लग रही है, क्लोई द कैमिलियनर, यार तुम ऐसे मत बोलो, एक ना एक दिन ठीक होना ही है उसका। कैमिलियनर का, कैमिलियनर का मतलब क्या होता है, जो रंग बदलता है, तो ये पहली रॉटवाइलर है जिसकी एक आंख ब्लू है और एक काली है, है ना, देखते हैं एक बार, चलो आओ हॉस्पिटल ले जाए, ज्यादा लेट ना हो जाए, हमने अभी भी देखा, जल्दी जल्दी करो, भागो भागो जल्दी भागो, बारिश आ रही है दिल्ली में, दिल्ली में बारिश आ रही है, जल्दी जल्दी चलो, चल दिशु जल्दी चल, चलो बास्केट बास्केट नीली, मैं तो ऐसे ले, बारिश इतनी तेज हो रही थी, हाँ कुछ नहीं होता, कोई जरूरत नहीं है बास्केट की, ब्लू आई, ब्लू आई, ओ ब्लू आई, पता नहीं क्या ही हो गया मेरी गुड़िया को, अब जाके वो थोड़ी ठीक हुई है, वेट भी गेन कर लिया था इसने, चल कुछ नहीं होता है, लगा रहता है हमारे बच्चों के साथ भी तो लगा रहता है, कुछ ना कुछ पैसे मैंने देखा हमारी लाइफ में लगा रहता है ना, राहुल नमी तक खाली नहीं बैठ सकते, अब ये सियापा पड़ गया अच्छी वाली का लड़की का, यार राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है यार, क्या होएगा, अरे कुछ नहीं होगा यार, ये मैंने पढ़ लिया है इंटरनेट पे, यार कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है ये, अभी देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर, विजन चेक करा लेते हैं पहले, इतनी चुपचाप हो गई है ये, कुछ नहीं होता, अच्छी बात है चुप हुई है, परेशान, सुबह तक मेरे बाल तोड़ रही थी, पता है मेरे ऊपर चढ़ गई थी, मेरे सारे ना गाइस बाल तोड़ रही थी, और अब ऐसे बैठ गई, अब मेरे को ना देख भी नहीं रही है, मतलब देख एज इन, मतलब जैसे इसको कोई परवाह भी नहीं है कि मैं किसी के हाथ में हूं, दर्द है अंदर, प्लेफुल नहीं हो रही है इस टाइम बिल्कुल भी, गाइस इसके लिए प्रे करो यार, ये ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ वैसे लगा ही रहता है, मैंने देखा है आज, देख मेरी गर्दन भी मुड़ गई है यार, अकड़ गई है, वो मैं पीछे ऐसे नहीं कर पा रही प्रॉपर, बारिश शुरू हो गई यार, आज फिर जिम भी नहीं हो सकता मेरा, है ना, जिम क्या मेरा, बास्केटबॉल भी नहीं हो सकता, और ऊपर से बेचारी ये भी मार के बैठ गई, वैसे हमने देखा है ना, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, दिशु भी कहता होगा कि कहाँ मैं जहाँ काम करता हूँ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, क्यों दिशु, मजे आते हैं दिशु, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी ना, चलो मुंह बंद कर, सांसें लंबी लंबी ले रही है, जवाब ही नहीं दे रही मेरी बात का, हेलो डॉक्टर पटेल वैसे इतने समझदार है, वो वेरीफाई कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि क्या सीन है, दिखाती हूँ एक बार, वो दियो मेडिसिन का, वो तो गाइस डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स दिए हैं और कहा है कि कॉर्निया डैमेज नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, कॉर्निया पे कोई भी कट नहीं है, कोई भी अल्सर नहीं है, और इसको कोई इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो गई है, कहीं टकराई है इसलिए, और इसकी आँख कहीं लगी है जाके, उस वजह से इसको इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से इसकी आई जो है ना सुबह ब्लू थी, अब थोड़ी वाइटिश इफेक्ट में आ गई है, तो ना उन्होंने कहा ये दो ड्रॉप्स हैं आप ये दे दो, ठीक है, एंटीबायोटिक है और एक पेन की भी है, तो वो कह रहे हैं आप ये दे दोगे तो इसका फ़र्क आ जाएगा विद इन 15-20 डेज़,
मतलब 20 दिन तक तो आंख नीली रहेगी, नीली रहेगी, हो सकता है धीरे धीरे वापस ब्लैकिश वो आना स्टार्ट। वो कितने परसेंट चांसेस है? वो कह रहे 100% चांसेस, वो कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं है इसको। अच्छा। और कह रहे विजन में कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने इसके अंदर कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का केमिकल भी डाला था और टॉर्च वॉर्च भी डाली थी, तो ये पूरा रिस्पॉन्ड कर रही है लाइट को, तो विजन में कोई इशू नहीं है। तो वो डॉक्टर साहब तो कह रहे चिंता मत करो, मतलब 20-25 दिन में शी विल बी बैक टू नॉर्मल, तब तक थोड़ा ध्यान रखो और ये रेगुलर देनी है दवाइयां। अभी आज से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये उन्होंने बस जब ये बोला ना कि जाती हूँ, उन्होंने बोला कि अगर इसके ना कॉर्निया डैमेज है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर सर्जरी होगी मेरी, तो भाई हालत खराब हो गई। मैंने कहा यार मैं रोज कहती थी इसकी आंखें कितनी सुंदर और आंखें वो हो रही है। फिर जब उन्होंने ये बोला ना कि कॉर्निया में कोई डैमेज नहीं है, तो मुझे जाके थोड़ी रिलीफ आई। वो कह रहे मतलब घर पे ही ट्रीट हो जाएगी, होम ट्रीटमेंट ही है इसमें। ठीक है, मैं जरा जाके दो टोकरियां ले आऊं जल्दी से। हाँ जी ठीक है। हाँ क्लोई इतनी शांत हो गई है गाइस, क्लोई देखना ये वही क्लोई है जो ना सारा दिन फुदकती मटकती रहती थी, अब बस कर रही बैठी। और मेरा हाथ देखो कैसे पकड़ा हुआ है, ये देखो इसने मेरा हाथ ना ऐसे पकड़ लिया, इसको ना मेरे पे ट्रस्ट है ना। और जब डॉक्टर साहब इसकी आईज में ना डाल रहे थे ना वो सब, तो वो तब भी इसको ना थोड़ी चीखी थी ये, तो ना ये मेरे को ही देख रही थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अब ना इसने मेरे को देखो ऐसे ना भरोसे और ट्रस्ट की वजह से देखो ऐसे पकड़ लिया है। अरे मेरा लड्डू बुखार हो, क्या हुआ मेरा बच्चा, हम हैं ना हमेशा तेरे साथ। ठीक है, उदास हो गई हमारी क्लोई, तो इतनी चहकती पहकती थी। गाइस इसके लिए प्रे करो कि ये फिर से वैसी हो जाए मटकू सी। है क्लोई, ओ क्लोई, ओ मेरी गुड़िया, हाँ अब तू ही रह गई हमारे पास। तो गाइज इसका तो हमारे पास रहना लिखा ही था, देख लो कहाँ कहाँ से आई है और हमारे पास रह गई, बाकी सब अपने अपने घर चले गए। आज बगीरा और बारबी भी चले जाएंगे, बस ये हमारे पास रह जाएगी और फिर इसका पार्टनर आएगा बाप। तो अब इसके बाद खाता अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज है और देखेंगे बाकी, जब भगवान आगे जितने बच्चे देगा वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं 8 बच्चों की माँ बन जाऊँगी जब बाप आएगा। तो चल भाई चल फाइनली घर चल, बारिश बहुत तेज है और देख लो वो ना टोकरियाँ निकाल के लेके जा रहे हैं। हाँ जी चलो 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 भागो। तो गाइस यहाँ पे क्लोई को दे दिया है खाना और जब से तबीयत खराब हुई है खाने में भी इंटरेस्ट लग रहा है, थोड़ा खत्म सा हो गया है, पर मुझे पता है थोड़ी देर में अपने आप खा लेगी। और थोड़ा सा पानी ऐड कर दे, थोड़ा ड्राई लग रहा है ना, पानी ऐड कर दे। और ये दो उनकी मील्स प्रिपेयर हो गई। और गाइस यहाँ पे ना राहुल ने प्रिपेयर कर दी है 2 डब्बे मील्स, वैसे तो आज रात का खाना तो हमने खिला दिया उनको, वो खा रहे हैं अभी ऊपर। और 9 बजे की ट्रेन है, कल दोपहर को 4 बजे पहुंचेंगे तो सुबह का मील चाहिए होगा। 9 बजे की ट्रेन है, 9 बजे हम छोड़ेंगे, 9 बजे छोड़ेंगे, ट्रेन 10:30 की है, वो कल दोपहर को 4 बजे मुंबई के स्टेशन पे उतर जाएंगे। जब आप ये ब्लॉग देख रहे होगे उस दिन दोपहर को 4 बजे वो उतर जाएंगे और एक ही मील जाएगी क्योंकि रात की मील होती है, 2 टाइम की मील है उनकी, तो सुबह 10 बजे वो खिला देगा, बस अगले दिन रात को 10 बजे तो वो कर ही ले। तो गाइज ये 2 डब्बे प्रिपेयर कर दिया, एक में खाएगी बारबी, एक में खाएगा बगीरा। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं थैली में और चलते हैं। इनको वैक्सीनेशन कार्ड, थोड़ा सा एक फॉइल पेपर का डब्बा वो रहे तो उसकी जरूरत नहीं है, फॉइल पेपर बिखर जाएगा तुम कह रहे हो, मैं देखता हूं एक बार। तो राहुल यहां पे कर रहे हैं पैकिंग और मैं जाके शिवाय, आप उसे तंग क्यों कर रहे हो, क्लोई को गुद 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 करता रहता है। शिवाय को अच्छी सहेली मिल गई है क्लोई के रूप में, है ना, पर क्लोई आज सुस्त लग रही है क्योंकि दर्द हो रही होगी मैडम को। हो गया खाना इनका, वैक्सीनेशन कार्ड वो पड़े हैं, मेरे ख्याल से ना इसका भी मन नहीं है, इसका स्वेटर उतार दो, गर्मी हो रही है। शिवाय सेट हो गया, ये बगीरा और बारबी वाला देना है ना। हाँ ठीक है, तो गाइस ये बगीरा और बारबी का वैक्सीनेशन कार्ड, ठीक है ना। तो फाइनली बारबी और बगीरा दोनों जा रहे हैं, वो देखो एक का तो मुंह बाहर आ रहा है, पता नहीं किसका मुंह बाहर आ रहा है। ठीक है चलो 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 चलो, मन्नी कार्ड्स ले लियो, कार्ड्स ले लियो, खाना तो बस टाइम हो गया आप, और 9 बजे हमने उसको इन दोनों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ना। हाँ जी बाय बाय बगीरा, मैट नीचे करती थी ना, चलो चले शुरू करें। जय माता दी, जय हनुमान जी, आ जा चलो चलो चलो, गाड़ी की पीछे वाली सीट पे रख दे, ठीक है रुक जा रुक जा। भाई दिल्ली में क्या हाल हो गया है, कोहरा ही कोहरा, ये देखो इधर भी कोहरा,
चलो चलो चलो, रख दे पीछे बैठ जा तू भी। तो गाइस ये देखो इतना बुरा हाल है, और ऊपर लेडी वाली देख रही है अपने बच्चों को जाते हुए। अच्छे घर जा रहे हैं, जिनके घर जा रहे हैं उनके पास 25 डॉग्स हैं और दूसरे फार्म में 16, समझ आई? मम्मी देख रही है बच्चों को जाते हुए। चल कुछ नहीं होता, क्लोई से तो मिलेगी ये। चलो चलो जल्दी चलो। तो गाइज यहाँ पे इनका सामान दे दिया है और यहाँ पे जा रहे हैं दोनों बच्चे। मैं तो ना खोल के डिब्बे देख भी नहीं रही हूँ, मेरा ना दिल हो जाता है। बार्बी और बगीरा, बार्बी और बगीरा दोनों जा रहे हैं, भारी है भाई, ध्यान से लेके जाना। रॉटवाइलर है, रॉटवाइलर ही है और कोई वो थोड़ी है। क्या पड़ा? आपका रोज का नाम है क्या था ये? क्या है? ये समोसा है, रखते चुपचाप। कह रहे दीसु ये क्या? ठीक है भैया ले जाओ, अच्छे से ले जाना, थैंक यू। खाना अब मत देना, सुबह देना, ठीक है? जो भी अंदर अंदर जो भी होगा इंचार्ज जो लेके जाएगा उनको बोलना। रुको मैं इसको डब्बों में डाल दूं? अरे खा जाएंगे वो डब्बों में, तो खा जाएंगे ये बच्चे, ठीक है? ओके जी, 10 बजे खाना देना, 4 बजे गाड़ी पहुँचेगी। कितने बजे की ट्रेन है कुछ पता है? 9:40 की, ठीक है, थैंक यू ब्रदर, ठीक है, ओके जी। अभी जी जी से पैसों की बात वो कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस फाइनली दोनों बच्चे चले गए हैं और मेरा दिल तो इतना भारी हो रहा है। अब हमारे पास सिर्फ क्लोई रह गई है जो कि अभी फिलहाल इंजर्ड है और हो जाएगी ठीक। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, पपी से स्टेज में ये सब चीज़ें करते रहते हैं, आई ड्रॉप्स डलेंगे और ठीक हो जाएगी। बट फाइनली हमारा पूरा का पूरा लीटर क्या हो गया राहुल? कुछ नहीं, चला गया अपने घर। और दीशु कहेगा अब सुबह सुबह किसको खाना खिलाएगा दीशु? अब तीनों बस बब्बे वाले और लेडी वाले को, बैक टू स्क्वायर वन। अब अगले महीने मिलेंगे, देखते हैं बाप का क्या है स्टेटस। बाप को मार्च में ला रहे हैं ना? हाँ, 5 जनवरी को पैदा हो गया वो। लीटर की फोटो आ गई है मुझे, 5 मार्च तक लेंगे। 5 मार्च ही लाएंगे, थोड़ा लेट लाएंगे, थोड़ा डेवलप होने दो। और हाँ तो बस यही, अब थोड़े मेरे दिल भारी हो रहे, सारे बच्चे चले गए हैं राहुल। यार मुझे बस वही है कि अंदर सेफली ले जाए, ले जाएगा। और वो कह रहे मेरा रोज का काम है। मैं वो बात तो तेरी समझ गया, पर मेरा तो फर्ज है ना। तुम बस अब आगे बात कर लो, चले मैं आगे का वीडियोस फॉरवर्ड कर दी कि जो बाहुबली भी कितने अच्छे से तो गया है, टच वुड सब अच्छा ही होगा गाइस, बाकी देखते हैं, लेट्स सी।